रुद्राक्ष रजत के साथ ज्वेलरी शॉप आया था। सेल्समैन जो भी रिंग रुद्राक्ष को दिखा रहा था वो कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे रिजेक्ट कर देता था। ये नहीं, इसका कलर अच्छा नहीं है, इसका डायमंड कुछ ज्यादा ही छोटा है, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत फैंसी है, रजत ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा। सर, अगर आप इसी तरह सभी रिंग्स को रिजेक्ट करते रहेंगे तो आप कभी रिंग्स नहीं खरीद पाएंगे। उसको इग्नोर करते हुए रुद्राक्ष ने अटेंडेंट से पूछा, मुझे इस शॉप की सबसे बेस्ट रिंग दिखाओ, मुझे अपनी वाइफ के लिए सबसे यूनिक और स्पेशल रिंग चाहिए, कुछ ऐसा जो किसी और के पास ना हो। अटेंडेंट रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हमारे स्टोर में कल एक स्पेशल रिंग आई थी, लेकिन, रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकुड़ कर पूछा, लेकिन क्या? अटेंडेंट ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, जिस रिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसे बाहर निकालने की परमिशन सिर्फ हमारे मैनेजर को है, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं है। रुद्राक्ष ने उससे कुछ नहीं कहा, बस रजत की तरफ देखने लगा। रजत समझ गया कि बॉस क्या करना चाहते हैं। उसने जल्दी से किसी को फोन किया। 15 मिनट के बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी ज्वेलरी शॉप के अंदर आया। उसने सांस लेने की कोशिश करते हुए कहा, गुड इवनिंग मिस्टर सिंघानिया एंड सॉरी। फिर अटेंडेंट की ओर मुड़ते हुए बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मिस्टर सिंघानिया यहाँ पर आए हैं? अटेंडेंट ने अपना सर नीचे करके कहा, सर वो, रुद्राक्ष ने अटेंडेंट की बात काटते हुए कहा, मुझे जल्दी से रिंग दिखाओ। मैनेजर रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सर। इतना कहकर वो वहां से चला गया। कुछ मिनट के बाद मैनेजर हाथ में एक मीडियम साइज बॉक्स लेकर बाहर आया। बॉक्स को रुद्राक्ष के सामने टेबल पर रखते हुए उसने धीरे से बॉक्स को खोला। मैनेजर रिंग दिखाते हुए उससे बोला, ये रिंग प्लैटिनम से बनी है और इस पर जो डायमंड है वो सबसे एक्सपेंसिव है, लेकिन रिंग को यूनिक बनाती है इसके पीछे की स्टोरी। मैनेजर कुछ देर रुककर आगे बोला, एक जौहरी ने ये रिंग अपनी पत्नी के लिए डिजाइन की थी, लेकिन इससे पहले कि वो इस पर काम करना शुरू कर पाता उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। 2 साल बाद जौहरी की भी हार्ट अटैक की वजह से उसकी वर्कशॉप में मौत हो गई। पुलिस को उसकी वर्कशॉप के अंदर एक पेपर और एक इनकम्प्लीट रिंग मिली। पेपर पर रिंग का डिजाइन था जिस पर इंटर्निटी लिखा हुआ था। उस टाइम से इस रिंग को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वर्ल्ड के बेस्ट ज्वेलर्स ने इस रिंग को कंप्लीट किया, जिसे करने में उन्हें कई साल लगे, और उन्होंने इस रिंग का नाम दिया इंटर्निटी। रुद्राक्ष को रिंग के पीछे की कहानी पसंद आई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये एक्सपेंसिव है या नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं इसे लूंगा। मैनेजर ने एक्साइटमेंट में अपनी ताली बजाते हुए कहा, मुझे पता था कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। आप दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीद रहे हैं और ये न्यूज़ जल्दी ही पूरे मीडिया में फैल जाएगी। रिंग को अपने हाथों में लेते हुए रुद्राक्ष ने कहा, किसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि मैंने ही ये रिंग खरीदी थी। आप चाहें तो परसों मेरा नाम बता सकते हैं, मैं कल अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैनेजर ने रुद्राक्ष की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव रिंग इंटर्निटी सोल्ड हो गई। इसी तरह की हेडलाइंस मीडिया में ट्रेंड कर रही थी। हर कोई उस शख्स का नाम जानना चाहता था जिसने ये रिंग खरीदी थी। इसके साथ ही मिस्टर आशुतोष सिंघानिया और मिसेज साक्षी सिंघानिया की इनविटेशन कार्ड देते हुए एक पिक्चर भी जंगल की आग की तरह फैल रही थी। सिंघानिया फैमिली की इस पार्टी की न्यूज पूरे मुंबई शहर में फैल गई। इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर में से एक की शादी हो गई है। ये खबर सबके बीच में हलचल पैदा करने के लिए काफी थी। रिपोर्टर सिंघानिया पैलेस और सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बाहर जमा होने लगे। ग्लोबल एंटरटेनमेंट के बाहर भी कुछ रिपोर्टर थे। जब समर्थ ग्लोबल एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग से बाहर आया तो उसे रिपोर्टर ने घेर लिया। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा,
मिस्टर सिंघानी आपके भाई की इस तरह सीक्रेटली शादी करने की क्या वजह है? तभी दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर सिंघानिया, कौन है मिसेस रुद्राक्ष सिंघानिया? क्या वो एक नॉर्मल लड़की है या सोशलाइट? तभी रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप भी अपने भाई की तरह सीक्रेटली शादी करेंगे? समर्थ ने हेल्पलेसली अपना सर खुजलाते हुए कहा, ये मेरे भाई का डिसीजन है कि वो कैसे शादी करना चाहता है, और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया हम उसमें उनके साथ हैं, और मेरी भाभी कौन है ये आपको कल पता चल जाएगा, और वक्त बताएगा कि मैं सीक्रेटली शादी करूंगा या नहीं। ये कहने के बाद समर्थ अपने बॉडीगार्ड्स की हेल्प से जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल गया। जैसे ही वो कार में बैठा उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाते हुए कहा, भाई। दूसरी तरफ से रुद्राक्ष ने कहा, अंशिका और अक्षत को पिक करके सिंघानिया पैलेस ले आओ। समर्थ थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए बोला, ठीक है। रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, बस जाओ। समर्थ ने सिर हिलाया। 30 मिनट के बाद समर्थ अंशिका के घर के बाहर आ गया। जैसे ही वो कार से बाहर निकला, एक प्यारा सा लड़का उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और उससे बोला, समर्थ अंकल। समर्थ मुस्कुराया और उसे उठाकर कसकर गले लगाते हुए बोला, अरे चैंप। अक्षत ने एक क्यूट सा पाउट बनाकर कहा, मैं आपसे नाराज हूँ। समर्थ ने उसके गाल खींचकर कहा, आई एम सॉरी चैंप, आई प्रॉमिस यू मैं तुमसे रोज मिलूंगा। फिर चारों ओर देखते हुए समर्थ ने पूछा, तुम्हारी मॉम कहाँ है? अक्षत ने कहा, वो अंदर है। समर्थ ने उसे नीचे उतारते हुए कहा, जाओ कार के अंदर बैठो और मैं तुम्हारी मॉम को लेकर आता हूँ। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड को अक्षत के देखभाल करने का इशारा किया और खुद अंदर चला गया। जब समर्थ स्टोर के अंदर आया तो उसने देखा अंशिका कुर्सी पर खड़ी है और ऊपर कुछ कर रही है। जल्दी से उसकी ओर बढ़ते हुए समर्थ ने कहा, ये डेंजरस है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अंशिका ने धीरे धीरे कुर्सी से नीचे उतरते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है, मुझे ये सब करने की आदत है। समर्थ ने सिर हिलाया। फिर एक फीकी मुस्कान के साथ अंशिका ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समर्थ ने कहा, मैं यहाँ तुम्हें और अक्षत को सिंघानिया पैलेस ले जाने के लिए आया हूँ। फिर थोड़ी देर रुककर वो बोला, भाई ने मुझसे कहा था तुम दोनों को यहाँ से ले जाने के लिए। अंशिका ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह ठीक है, मुझे बस कुछ मिनट दो। समर्थ ने अंशिका को देखकर कहा, जितना टाइम लगे ले लो, आई विल वेट फॉर यू। अंशिका ने अपना सिर नीचे करके कहा, मैं। समर्थ ने फिर से बात को संभालते हुए कहा, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये कहने के बाद वो जल्दी से वहां से बाहर आ गया। कुछ मिनट बाद जब अंशिका बाहर आई तो उसने देखा समर्थ और अक्षत एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। वो दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। वो जानती थी कि पूरी सिंघानिया फैमिली अक्षत से बहुत प्यार करते हैं, खासकर समर्थ और रुद्राक्ष। अक्षत अंशिका के पास दौड़कर आते हुए बोला, ओ मॉम, मॉन्स्टर अंकल मेरा पीछा कर रहे हैं। समर्थ ने जब देखा कि अक्षत अंशिका के पास क्या है तो उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया। अंशिका अक्षत को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अंकल को मॉन्स्टर मत बोलो, ये अच्छी बात नहीं होती। उसकी बात सुनकर अक्षत हंस पड़ा। फिर उसने अपने छोटे हाथों से अंशिका का हाथ पकड़कर कहा, मम्मा चलो ना जल्दी चलते हैं, मैं दादी और दादाजी से मिलना चाहता हूँ। समर्थ ने ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए कहा, मुझे कार की चाबी दो, आज मैं ड्राइव करूंगा। ड्राइवर ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन सर। तो समर्थ ने उसकी बात समझते हुए कहा, इट्स ओके, तुम बॉडीगार्ड के साथ दूसरी कार में आ जाओ। ये कहने के बाद वो जाकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अक्षत ने अपनी मम्मा की तरफ देखकर कहा, मम्मा आप अंकल के साथ सामने बैठो और मैं पीछे की सीट पर बैठ जाऊंगा। अंशिका को थोड़ा झिझक महसूस हुई। फिर वो जाकर
समर्थ के पास वाली सीट पर बैठ गई। ये देखकर समर्थ के होठ ऊपर की तरफ मुड़ गए। फिर उसने कार स्टार्ट करके कहा, सीट बेल्ट। समर्थ की बात सुनकर अंशिका ने सीट बेल्ट लगाया। फिर वो तीनों वहां से निकल गए। 20 मिनट के बाद वो सिंघानिया पैलेस पहुंचे। जैसे ही कार रुकी, अक्षत तेजी से कार से नीचे उतरा और सिंघानिया पैलेस के अंदर भाग गया। अंशिका ने उसे भागते देखकर कहा, अक्षत इस तरह से मत भागो। ये बोलकर वो जल्दी से सीट बेल्ट खोलकर कार से नीचे उतरने लगी। लेकिन तभी समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अंशिका। अंशिका ने जब अपने हाथ पर किसी के गर्म हाथ को महसूस किया तो वो वहीं पर जम गई। समर्थ ने आगे कहा, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे वो आपके स्टोर के बाहर हो या रियल लाइफ में। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाहो या ना चाहो। ये कहने के बाद समर्थ कार से नीचे उतर गया और अंशिका को हैरानी में छोड़कर वहां से चला गया। अंशिका ने जल्दी से खुद को संभाला और वो भी अंदर चली गई। जब अंशिका पैलेस के अंदर आई तो उसने देखा सब लिविंग रूम में बैठे खुशी खुशी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे और सभी अक्षत को प्यार कर रहे थे, खासकर उसके दादा और दादी। आराध्या जल्दी से उसकी तरफ गई और उसे गले लगाते हुए बोली, अंशिका तुम आ गई। अंशिका ने मुस्कुराकर उसे वापस गले लगा लिया। आराध्या अंशिका को सबके बीच लाते हुए बोली, आओ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साक्षी उठकर अंशिका को गले लगाते हुए बोली, अंशिका लगता है तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती। अंशिका ने सिर हिलाकर कहा, नहीं माँ ऐसी बात नहीं है। आशुतोष ने उसका सिर थपथपाकर कहा, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि तुम अक्षत के साथ यहाँ चले आओ, तुम हमेशा काम में बिजी रहती हो, अक्षत यहाँ रहेगा तो ज्यादा खुश रहेगा। तुम्हारी माँ यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। आराध्या ने कहा, हाँ अंशिका तुम्हें यहीं रहना चाहिए, हम भी यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अंशिका ने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर समर्थ उम्मीद भरी आंखों से उसे देख रहा था। आराध्या को उन दोनों के बीच कुछ अजीब लगा। कुछ देर सोचने के बाद अंशिका ने कहा, ठीक है मैं यहीं रहूंगी। ये सुनकर समर्थ के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो एक गिलास उठाकर पानी पीने लगा। आराध्या धीरे से समर्थ के पास आकर बोली, तुम उसे लाइक करते हो ना। आराध्या का सवाल सुनकर समर्थ को खांसी आ गई। कई बार खांसने के बाद उसने कहा, आपके इस सवाल का क्या मतलब भाभी, मैं किसे लाइक करता हूँ। आराध्या ने समर्थ को ध्यान से देखकर फिर से पूछा, मैंने कहा तुम अंशिका को लाइक करते हो है ना। समर्थ ने आह भरते हुए उससे पूछा, आपको कैसे पता। आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, ये तुम्हारे पूरे चेहरे पर लिखा है। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, काश वो इसे देख पाती। आराध्या ने समर्थ की तरफ देखकर थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, तुम्हें जाकर अपनी फीलिंग्स के बारे में अंशिका को बताना चाहिए। इस पर समर्थ ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने 2 साल पहले उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आराध्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या तुमने उससे पूछा क्यों। समर्थ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मैंने नहीं पूछा, मुझे पता है कि उसके पास अपनी वजह थी, मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि मैं हमेशा उसका इंतजार करूंगा। आराध्या ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट डोंट गिव अप। समर्थ ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। क्या वजह थी जिनके चलते अंशिका ने समर्थ को रिजेक्ट किया था, क्या सच में उसके दिल में समर्थ के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पार्टी वेन्यू से कुणाल पहले ही चला गया था, अब सिद्धार्थ और वैशाली भी जाने वाले थे। सिद्धार्थ ने वैशाली की तरफ देखकर कहा, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वैशाली उसे मना करते हुए बोली, कोई बात नहीं मैं कैब ले लूंगी। सिद्धार्थ ने अपना सिर झुकाकर पूछा,
तुम्हें मुझसे ज्यादा कैब ड्राइवर पर भरोसा है? फिर कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ, एंड इट्स फाइनल। वैशाली हेल्पलेसली उसे देखते हुए उसकी बात पर एग्री हो गई। वो दोनों वहां से जाने ही वाले थे कि रुद्राक्ष वहां पर आ गया। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वाह यार, तुम्हें तो पार्टी के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी है। रुद्राक्ष सिद्धार्थ को इग्नोर करके वैशाली की तरफ मुड़कर बोला, थैंक यू फॉर हेल्प वैशाली। वैशाली उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी फैमिली को इनविटेशन भेज दिया है, कल उनको साथ लेकर आना। उसकी बात सुनकर वैशाली ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। फिर रुद्राक्ष ने कहा, तुम्हें घर जाने में लेट हो गया है, सिद्धार्थ तुम्हें छोड़ देगा। फिर सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर आगे बोला, मॉम तुमसे बहुत नाराज है, तुमने उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन वापस आ गई है? वो सच में तुमसे बहुत नाराज है। सिद्धार्थ ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मैं उन्हें बताने ही वाला था, लेकिन उसकी बात काटते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आज जब मॉम और डैड मल्होत्रा मेंशन इनविटेशन कार्ड देने गए थे, तब उन्होंने वहां पर कीर्ति को देखा। उसने मॉम से कहा कि तुमने उसे सिंघानिया पैलेस जाने के लिए मना किया है। सिद्धार्थ ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, अरे मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। रुद्राक्ष बाहर जाने के लिए मुड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता, तुम्हें इस बारे में अपनी बहन से बात करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने आह भर कर कहा, चलो चलते हैं। वैशाली ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों वहां से निकल गए। कार में बैठने के बाद अचानक वैशाली ने उससे पूछा, वो तुम्हारी एक बहन है? सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मेरी एक छोटी बहन है। वैशाली ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम मुझे उससे कब मिलवाओगे? सिद्धार्थ ने कहा, वो कल पार्टी में आ रही है। कुछ मिनट बाद वो दोनों आहूजा हाउस के बाहर पहुंच गए। वैशाली कार से उतरने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम कल मेरे साथ पार्टी में चलोगी? वैशाली मुस्कुराकर बोली, ठीक है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। वैशाली ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और चली गई आहूजा हाउस के अंदर। जैसे ही वैशाली अंदर आई, उसने देखा उसके पापा मिस्टर आहूजा दरवाजे के पास खड़े उसे देख रहे हैं। मिस्टर आहूजा ने अपनी बेटी की तरफ देखकर पूछा, कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम घर आई हो? वैशाली धीरे से बोली, फ्रेंड। मिस्टर आहूजा ने अपनी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? वैशाली मुंह बनाकर बोली, पापा। मिस्टर आहूजा ने मुस्कुराकर कहा, ओके ओके सॉरी, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम अपने पापा को तो बताओ कि वो लड़का कौन था। वैशाली ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, वो सिद्धार्थ मल्होत्रा है, आप प्लीज और कोई सवाल मत पूछना। ये कहने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। सिद्धार्थ जब मल्होत्रा हाउस आया तो लिविंग रूम में मिसेज मल्होत्रा, जो सिद्धार्थ की स्टेप मदर थी, वो उसका इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ ने उनकी तरफ देखकर पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो मिसेज मल्होत्रा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। सिद्धार्थ उनके पास बैठते हुए बोला, ये आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपको जल्दी सोना चाहिए। मिसेज मल्होत्रा मुस्कुराकर सिद्धार्थ के बालों को छूते हुए बोली, तुम टायर्ड लग रहे हो। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली, फिर मिसेज मल्होत्रा की गोद में सिर रखकर आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ थोड़ा। मिसेज मल्होत्रा ने पूछा, क्या तुमने डिनर किया? सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा, नहीं। मिसेज मल्होत्रा ने कहा, ठीक है चलो फिर खाना खा लो। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे कुछ टाइम ऐसे ही रहने दीजिए। कुछ टाइम बाद मिसेज मल्होत्रा सिद्धार्थ के लिए खाना सर्व करने लगी। तभी वहां एक मीठी आवाज गूंज उठी, भाई। सिद्धार्थ ने अपना सिर उठाकर देखा कि उसकी छोटी बहन उसके पास आ रही है। उसने अपनी छोटी बहन को देखकर आह भरते हुए कहा, तुम अभी तक सोई नहीं हो? कीर्ति ने हंसते हुए कहा, मैं आपका इंतजार कर रही थी।
हालांकि कीर्ति और सिद्धार्थ सौतेले भाई बहन थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सिद्धार्थ ने पूछा, मॉम आज यहाँ आई थी, उन्होंने क्या कहा? कीर्ति ने नजरें चुराते हुए कहा, नथिंग। सिद्धार्थ ने उसका सिर थपथपाते हुए पूछा, कल पार्टी में क्या पहन रही हो तुम? कीर्ति सिद्धार्थ को मासूमियत से देखते हुए बोली, हाँ भाई, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी। माँ चाहती है कि मैं वो भारी भरकम गाउन पहनूं। यू नो ना, आई हेट ऑल दिस, मैं गाउन पहनना नहीं चाहती, प्लीज हेल्प मी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि कीर्ति को कल गाउन ही पहनना चाहिए। कीर्ति ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, लेकिन। मिसेज मल्होत्रा ने उन दोनों की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बस हो गया, अब अपने भाई से बहस मत करो और जाकर सो जाओ। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, उसने अपना सर नीचे किया और खाना खाने लगा। कीर्ति ने उन दोनों को मुंह बनाकर देखा और फिर अपने रूम में चली गई। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ ने मिसेज मल्होत्रा से कहा, माँ मुझे लगता है। उसकी बात को काटते हुए मिसेज मल्होत्रा ने कहा, उसकी बात पर ध्यान देना बंद करो, तुम उसे बहुत प्यार करते हो और इस तरह तुम अपनी बहन को बिगाड़ रहे हो। वो एक सोशलाइट है, उसे गाउन पहनने की आदत डालनी चाहिए। सिद्धार्थ ने आह भरी और हाँ में अपना सिर हिलाया। इधर सिंघानिया मेंशन में अंशिका ने आराध्या से पूछा, तो भाभी अब ड्रेस ठीक है? आराध्या, जो कल के लिए गाउन चेक कर रही थी, उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ अब ठीक है। उसने आराध्या को देखते हुए कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं भाभी। आराध्या अंशिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर बात करेंगे। कुछ देर बाद आराध्या नाइट ड्रेस पहनकर बाथरूम से बाहर आई। ड्रेस को वार्डरोब के अंदर रखते हुए आराध्या ने पूछा, तो अंशिका, क्या तुम समर्थ को लाइक करती हो? अंशिका ने हैरान होकर अपनी आंखें चौड़ी करके पूछा, क्या? आराध्या ने फिर से पूछा, मैंने कहा क्या तुम समर्थ को लाइक करती हो? अंशिका ने अपना सिर नीचे कर लिया पर कुछ कहा नहीं। आराध्या उसके पास आकर बैठते हुए बोली, मुझे लगता है कि मुझे मेरा जवाब मिल गया है। फिर थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, अगर तुम उसे पसंद करती हो तो खुद को रोक क्यों रही हो? अंशिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, समर्थ एक बहुत अच्छा इंसान है, एंड ही डिजर्व बेटर देन मी, मैं उसके लायक नहीं हूँ। आराध्या ने आह भरते हुए उससे पूछा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसकी बात सुनकर अंशिका चुप हो गई। आराध्या ने एक गहरी सांस लेकर अंशिका के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे पता है तुम ये सब क्यों बोल रही हो, लेकिन उस समय जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो तुम्हारा पास्ट था, अभी तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें इस तरह अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने अंशिका के गाल को छूते हुए कहा, समर्थ सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, जिस तरह वो तुम्हें देखता है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार साफ नजर आता है, तुम्हारे रिजेक्ट करने के बाद भी वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अपने पास्ट के बारे में सोचकर अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो, मेरी बातों को एक बार ध्यान से जरूर सोचना। अंशिका ने आराध्या की तरफ देखकर बात बदलते हुए कहा, काफी देर हो गई है भाभी, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर आराध्या मुस्कुराई और हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो अंशिका को किसी भी तरह फोर्स नहीं करना चाहती थी। अंशिका जब रूम के बाहर आई तो देखा समर्थ वहीं पर खड़ा है। समर्थ ने उसकी तरफ देख कर कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अंशिका ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्यों, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? समर्थ ने थोड़ा झिझकते हुए उसके हाथों में एक बैग देते हुए कहा, एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए ये खरीदा है, अगर तुम्हें ये पसंद आए तो कल पार्टी में पहन लेना। ये कहने के बाद समर्थ जल्दी से वहां से चला गया। अंशिका कुछ देर तक हाथों में पकड़े हुए बैग को देखती रही, फिर वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। जब वो अपने रूम में आई तो उसने देखा रुद्राक्ष अक्षत को सुलाने की कोशिश कर रहा था। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
भाई आप जाकर आराम कीजिए, मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैं अक्षत को संभाल लूंगी। अक्षत को ब्लैंकेट से कवर करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैंने तुम्हारा सारा सामान यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तुम्हें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंशिका ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू भाई। रुद्राक्ष ने उसका सिर थपथपाते हुए कहा, अगर तुम मुझे सच में थैंक यू कहना चाहती हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए एक हमसफर ढूंढो। अक्षत को एक फादर की जरूरत है, चाहे वो समर्थ हो या कोई और। अगर वो तुम दोनों को खुश रखता है तो और कुछ मायने नहीं रखता। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने आगे कहा, अगर तुम्हारा हमसफर समर्थ हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर ये कोई और भी हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि वो इंसान तुम्हें और अक्षत को खुश रख पाता है या नहीं, और तुम दोनों की खुशी ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अंशिका चुपचाप अपनी नजर झुकाए रुद्राक्ष की बातें सुन रही थी। रुद्राक्ष उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो और समर्थ तुम्हें ढूंढने दो बार इस रूम में आया था। ये कहने के बाद वो रूम से बाहर निकल गया। रुद्राक्ष के जाने के बाद अंशिका बेड पर बैठ गई और समर्थ का दिया हुआ पैकेट खोलने लगी। उसके अंदर एक लाइट पिंक कलर का डिजाइनर गाउन था। ये देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने गाउन को ऊपर उठाया, एक छोटा नोट जमीन पर गिर गया। उसने नीचे झुककर उस नोट को उठाया और उसे पढ़ने लगी। उस नोट को पढ़ने के बाद वो अपने आंखों के आंसू रोक नहीं पाई। नोट में लिखा था, मुझे पता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं नहीं जानना चाहता कि तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया था, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो या ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल और जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की थी, है और हमेशा रहेगी, और वो हो तुम, सिर्फ तुम। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंशिका, चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारी जिंदगी इंतजार क्यों ना करना पड़े, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा आराध्या सो चुकी है। अपने कपड़े चेंज करने के बाद वो आराध्या के पास लेट गया। फिर अपनी उंगलियों से आराध्या के गालों को छूते हुए उसके फोरहेड पर किस किया। रुद्राक्ष वहां से हटने ही वाला था कि तभी आराध्या अपने हाथों से उसकी कमर को पकड़कर अपना सिर उसके सीने पर रखते हुए बोली, आप कहाँ थे? रुद्राक्ष ने जवाब दिया, मैं अक्षत के साथ था। तो आराध्या ने धीरे से कहा, ओह। रुद्राक्ष ने उसके चेहरे को अच्छे से देखते हुए कहा, क्या तुम थक गई हो? आराध्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। रुद्राक्ष ने उसके माथे को चूमकर कहा, सो जाओ, कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। ये कहने के बाद उसने लाइट बंद कर दी। वहीं रुद्राक्ष की इस हरकत से आराध्या के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सो गए। आराध्या और रुद्राक्ष की बातें अंशिका पर क्या असर करने वाली हैं? क्या अंशिका अपना अतीत भुलाकर समर्थ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगले दिन जब आराध्या नींद से जागी तो उसने देखा रुद्राक्ष वहां पर नहीं है। ये सोचकर कि वो फिर से लेट हो गई है, उसने अपने सर पर चपत लगाई और जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। आराध्या जब फ्रेश होकर नीचे आई तो उसने देखा कि साक्षी, अंशिका और दादी लिविंग रूम में बैठी हैं और अक्षत एक कॉर्नर में बैठकर कुछ ड्राइंग कर रहा है। जब साक्षी ने आराध्या को देखा तो मुस्कुराकर पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? लेकिन आराध्या ने उनकी तरफ देखकर थोड़ा हैरान होकर कहा, जल्दी? लेकिन मैं तो बहुत लेट उठी हूँ। घड़ी की ओर इशारा करते हुए दादी ने कहा, सिर्फ 8 ही तो बजे हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम लेट हो गई हो? आराध्या ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, जब मैं उठी तो रुद्राक्ष पहले ही जा चुके थे, इसीलिए मैंने सोचा। उसकी बात सुनकर साक्षी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पापा समर्थ और रुद्र आज थोड़ा जल्दी चले गए।
अंशिका ने आराध्या को चाय का कप देते हुए कहा। भाभी आप भी आओ और चाय पी लो। तभी किसी ने अंदर आते हुए कहा, मुझे भी चाय पीनी है। आराध्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही हो? वैशाली ने अंदर आते हुए साक्षी और बाकी सबको गुड मॉर्निंग विश किया। फिर आराध्या के पास बैठकर बोली, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे आज रात की पार्टी के लिए तुम्हें रेडी होने में हेल्प करने के लिए कहा है। आराध्या ने अपना सिर हिलाकर अंशिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, वैशाली ये अंशिका है। फिर अंशिका की ओर मुड़ते हुए कहा, और ये वैशाली मेरी बेस्ट फ्रेंड। वैशाली ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। अंशिका ने कहा, मुझे भी, लेकिन तुम मुझे तुम कह सकती हो? साक्षी ने कहा, तुम सब बातें करो, हम बाहर जा रहे हैं और अपने साथ अक्षत को भी ले जा रहे हैं। ये कहकर साक्षी और दादी अक्षत को साथ में लेकर वहां से चली गई। वैशाली ने अक्षत की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वो प्यारा सा लड़का कौन है? अंशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो मेरा बेटा है और उसका नाम अक्षत है। ये सुनकर वैशाली हैरान होते हुए बोली, तुम मैरिड हो? अंशिका ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। वैशाली के चेहरे के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन को देखकर अंशिका ने उसे अपने बारे में सारी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद वैशाली के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था। फिर वो थोड़ी देर रुककर धीरे से बोली, मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि तुम्हें इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब वो तुम्हारा पास्ट है और पास्ट में जीने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अंशिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वैशाली ने बात बदलते हुए कहा, ठीक है अब इन सब डिस्कशन को छोड़ो, आज मिसेज रुद्राक्ष सिंघानिया का एक बड़ा दिन है। आराध्या ने उनकी तरफ देखकर कहा, चलो मेरे रूम में चलते हैं। फिर वो तीनों आराध्या के कमरे में चले आए। कमरे में आकर अचानक से आराध्या ने कहा, मैं कल जानवी से मिली थी। वैशाली ने थोड़ा हैरानी से कहा, क्या? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि मैं रुद्राक्ष की रखेल हूँ और वो कभी मुझसे शादी नहीं करेगा। ये सुनकर वैशाली हंस पड़ी। अंशिका ने अपनी भवें उठाते हुए कहा, क्या ये वही लड़की है जिसने तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से शादी की थी? आराध्या ने पूछा, तुम इन सबके बारे में जानती हो? अंशिका मुस्कुराकर बोली, मैं सब कुछ जानती हूँ। तो वो जानवी सोचती है कि भाई बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है? आराध्या ने कहा, हाँ और मुझे अपनी वेडिंग रिंग भी दिखा रही थी। वैशाली ने आराध्या के हाथों की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास वेडिंग रिंग नहीं है? अंशिका ने भी पूछा, भाई आपको वेडिंग रिंग देना कैसे भूल सकते हैं? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये उसकी गलती नहीं है, हमारी शादी ही कुछ अजीब सिचुएशन में हुई थी। वैशाली ने कुछ सोचते हुए कहा, जब मैंने कल इंटरनिटी रिंग सोल्ड होने के बारे में सुना तो मुझे लगा शायद मिस्टर सिंघानिया ने ही उसे खरीदा है, लेकिन लगता है मैं गलत थी। अंशिका ने आइडिया दिया, अरे भाभी जब भाई को याद नहीं है तो आप भी उनके लिए वेडिंग रिंग खरीद सकती हैं। आराध्या ने कहा, मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया है। वैशाली ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ और पार्टी में तुम उन्हें गिफ्ट भी कर सकती हो। आराध्या ने कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए कहा, ठीक है चलो फिर चलते हैं, हमारे पास वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं है। और फिर वो रेडी होने चली गई, साथ ही अंशिका भी रेडी होने अपने रूम में चली गई। कुछ देर में वो तीनों शॉपिंग मॉल में आ गए और रुद्राक्ष के लिए एक रिंग भी खरीद ली। तभी वैशाली ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। अंशिका ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ मुझे भी। आराध्या ने कहा, चलो फिर साथ में चलते हैं। जैसे ही वो तीनों वॉशरूम से बाहर आए, आराध्या को एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। उस आदमी ने आराध्या की तरफ देखकर एक मुस्कान के साथ कहा, मिसेस सिंघानिया, देखिए हमारी मुलाकात फिर से हो गई। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर आराध्या के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए उससे बोली, सीरियसली मिस्टर विशाल, लगता है आपके और लेडीज वॉशरूम के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। अंशिका ने आराध्या की तरफ देखकर पूछा, भाभी
आप इन्हें जानती हैं? विशाल ने अंशिका से कहा। हाँ मिस अंशिका, आपसे मिलकर भी खुशी हुई। अंशिका ने विशाल को देखा। वो उसे देखकर इतना तो समझ गई कि ये आदमी बहुत खतरनाक है। तभी अचानक वैशाली ने कहा, आराध्या अब हमें चलना चाहिए। विशाल ने उन सबकी तरफ देखकर मुस्कान के साथ कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी पार्टी के लिए बहुत टाइम बचा है। फिर उसने आराध्या की तरफ देखकर आगे कहा, वैसे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया ने मुझे पार्टी में इन्वाइट नहीं किया, लेकिन आई प्रॉमिस यू अगर मेरे घर में कोई पार्टी होगी तो मैं सबसे पहले आपको इन्वाइट करूंगा। उसकी बात सुन आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि आपके इंटेंशन सही नहीं है मिस्टर विशाल। विशाल ने हंसते हुए कहा, आपकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है मिसेस सिंघानिया। आराध्या ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आपका इंटेंशन क्या है, लेकिन अगर आपका इंटेंशन मेरे हस्बैंड को नुकसान पहुंचाना है तो वो ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे रहते आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी बात सुनकर विशाल ने हंसते हुए कहा, क्या मिस्टर सिंघानिया जानते हैं कि उनकी वाइफ उनसे इतना प्यार करती है? आराध्या ने कहा, वो क्या जानते हैं क्या नहीं, इसके बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अंशिका और वैशाली के साथ वहां से चली गई। वैशाली ने पूछा, वो कौन था? आराध्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। अंशिका ने आराध्या के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या आपने भाई को उसके बारे में बताया? आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। वैशाली ने कहा, ठीक है, तो अगर मिस्टर सिंघानिया को इस बारे में पता है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से चलते हैं। इस बीच सूरज शर्मा अपने बिजनेस टूर से वापस आ चुके थे और कपूर हाउस के सामने खड़े थे। जैसे ही उन्हें सारी बातें पता चली थी तो वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस मुंबई आ गए। हालांकि वो शर्मा इंटरप्राइजेस के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, लेकिन उन्हें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब वो मुंबई वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त नीरज से माफी मांगने का फैसला किया, लेकिन कपूर हाउस जाने के बाद वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे नीरज का सामना करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही नीरज को मोहित और आराध्या के रिश्ते के बारे में सुझाव दिया था। तभी एक गार्ड ने उनके पास आकर कहा, मिस्टर शर्मा, मैंने सर को आपके आने के बारे में बता दिया है और वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। सूरज ने गहरी सांस ली और कपूर हाउस के अंदर चले गए। जब सूरज कपूर हाउस के अंदर आए तो नीरज उनके पास आकर उन्हें गले लगाते हुए बोले, सूरज, तो अब तुम्हें अपनी दोस्त की याद आई? सूरज ने उम्मीद की थी कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो शायद नीरज उनसे बहुत ज्यादा नाराज होंगे, लेकिन उन्होंने जब उनके चेहरे पर मुस्कान देखी तो उन्हें गिल्ट फील हुआ। नीरज ने पूछा, अरे क्या हुआ? सूरज ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, नीरज आए। नीरज ने आहा भरते हुए बीच में ही कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं पता था कि मोहित और जानवी आराध्या के साथ कुछ ऐसा करेंगे। मुझे पता है कि तुम आराध्या से कितना प्यार करते हो, इसीलिए तुम जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे उसे हर्ट हो, और वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। सूरज ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, अच्छे से तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरी वजह से आराध्या हर्ट हुई है और अभी भी हो रही है। उनकी बात सुनकर नीरज ने हंसते हुए कहा, किसने कहा कि आराध्या दुखी है? उसने अपने लिए एक प्यार करने वाला हमसफर पाया है। सूरज ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? नीरज ने उनसे कहा, आज रात तुम मेरे साथ पार्टी में चलो, मैं वहां पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर अपनी घड़ी देखते हुए नीरज ने आगे कहा, देखो ज्यादा देर नहीं है, मुझे जाकर अपने लिए एक नया सूट लेना है। फिर उन्होंने सूरज को अपने साथ ले जाते हुए कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, हमें आज रात के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। नीरज को हैरानी से देखते हुए सूरज ने कहा, लेकिन नीरज ने उनकी बात रोकते हुए कहा,
बात मत करो, बस मेरे साथ चलो। इधर पार्टी वेन्यू पर रजत ने रुद्राक्ष से कहा, सर मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है। रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, रिसेप्शन से अपने रूम की चाबी लेकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो। ये सुनकर रजत ने सिर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। पार्टी एक 5-स्टार होटल में ऑर्गेनाइज की गई थी। ये 5-स्टार होटल भी सिंघानिया फैमिली का ही था। रुद्राक्ष ने अपनी जेब से अपना फोन निकालकर आराध्या को कॉल किया। दूसरी तरफ से फोन रिसीव करके आराध्या बोली, हेलो। रुद्राक्ष ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? आराध्या ने कहा, हम बस बात कर रहे थे। रुद्राक्ष ने कहा, मैंने तुम सबके लिए कार भेज दी है, बस अपनी ड्रेस और मेरा सूट साथ ले आओ। मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट पहले से ही यहाँ है। आराध्या ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। रुद्राक्ष ने आगे कहा, सभी के लिए होटल के रूम बुक हैं, तो। आराध्या मुस्कुराकर उसे टोकते हुए बोली, ठीक है मिस्टर सिंघानिया, मैं आपको वेन्यू पर मिलती हूँ। इधर शर्मा हाउस में मोहित बेसब्री से लिविंग रूम में अपने अंकल का इंतजार कर रहा था। सुबह सुबह जब उसने सुना कि सूरज शर्मा वापस आ रहे हैं, तो वो बहुत डर गया था, क्योंकि अगर सूरज ने अपनी पावर का यूज करके उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जानवी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मोहित ने अपनी वाइफ की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ सूरज अंकल आज वापस आ रहे हैं इसीलिए। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उनके बारे में चिंता मत करो, हम दोनों साथ मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। फिर उसने मोहित के होठों पर किस करते हुए कहा, अब जाओ और मैंने तुम्हारे लिए जो सूट खरीदा है उसे ट्राई कर लो। मोहित ने सिर हिलाया और ऊपर चला गया। मोहित के जाने के बाद जानवी ने अपना फोन निकाला और आराध्या को कॉल किया, लेकिन जब उसने कॉल लगाया तो आराध्या का कॉल बिजी आ रहा था, इसीलिए उसने उसे मैसेज टाइप किया। मैसेज सेंड करने के बाद जानवी मुस्कुराई और ऊपर चली गई। क्या होगा जानवी का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि जिस पार्टी में वो जा रही है वो और किसी की नहीं बल्कि आराध्या की वेलकम पार्टी है। जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्राक्ष का कॉल कट करने के बाद आराध्या ने जब जानवी का मैसेज पढ़ा तो वो हंस पड़ी। मैसेज में लिखा हुआ था, दीदी क्योंकि आपको इनविटेशन नहीं मिला तो आप पार्टी में नहीं जा सकती, पर अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। मुझे पता है कि आप भी देखना चाहती हो कि रुद्राक्ष सिंघानिया की वाइफ कौन है, तो अगर आप चलना चाहती हैं तो मुझे मैसेज करना। मैसेज पढ़कर आराध्या ने आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अपनी बहन ऐसी क्यों थी। फिर वो अपना फोन टेबल पर रखकर कमरे से बाहर चली गई। लगभग 3 बजे कार सिंघानिया मेंशन पहुंच गई। साक्षी जी ने वर्कर से कहा, ये सब सामान कार के अंदर रखो। तभी दादी जी आवाज लगाते हुए बोली, अंशिका आराध्या वैशाली चलो चलते हैं, हमें देर हो रही है। ये सुनकर अक्षित ने कहा, दादी मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। और इतना कहकर वो दौड़ते हुए ऊपर की ओर चला गया। रूम के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अक्षित ने कहा, मम्मा दादी आप सभी को नीचे बुला रही हैं। वैशाली ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने प्यारे से छोटे लड़के को सामने देखा तो उसे अपनी बाहों में उठाकर कहा, हेलो हैंडसम बॉय। अक्षित ने वैशाली के गाल थपथपाकर कहा, एक और ब्यूटीफुल आंटी। वैशाली ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे मुझे आंटी मत कहो, मुझे तुम दीदी कहो, ठीक है? अक्षित ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। जब वो होटल पहुंचे तो लगभग 4:30 बज चुके थे। सिद्धार्थ, समर्थ और रुद्राक्ष मेन गेट पर उन सबका इंतजार कर रहे थे। रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर अपनी वाइफ के लिए, सही लगता है माँ। इधर जैसे ही समर्थ और अंशिका लिफ्ट के अंदर आए, समर्थ ने अंशिका से पूछा, क्या तुमने मेरा गिफ्ट देखा? अंशिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया। समर्थ को उम्मीद थी कि अंशिका शायद कुछ कहेगी, लेकिन जब उसने कुछ नहीं कहा तो उसे लगा कि शायद उसे गाउन पसंद नहीं आया। जब दोनों उस फ्लोर में गए जहाँ पर आराध्या का रूम था, तो समर्थ ने कहा,
तुम्हारा रूम भी इसी फ्लोर पर है और आज रात हम यहीं रहने वाले हैं। मैं तुम्हें बाद में तुम्हारा कमरा दिखा दूंगा। अभी तुम भाभी के पास जाओ और पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। अंशिका ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। अंशिका को आराध्या के रूम में छोड़ने के बाद समर्थ वहां से चला गया। आराध्या ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, आपका भाई एक जेंटलमैन है। वो अंशिका को छोड़कर चला गया और आप अभी भी यहाँ पर खड़े हैं? रुद्राक्ष ने अपनी भवें उठाते हुए कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसीलिए मैं जितनी देर चाहूँ यहाँ रह सकता हूँ। फिर उसने सिद्धार्थ की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानता। इस पर सिद्धार्थ ने सबको एक नजर देखा और कमरे से बाहर निकल गया। ये देखकर आराध्या मुस्कुराई, फिर रुद्राक्ष को कमरे से बाहर धकेलते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, अब आप यहाँ से जाइए और पार्टी के लिए रेडी हो जाइए। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। आराध्या ने सिर हिलाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। वैशाली ने आराध्या का गाउन देखते हुए कहा, आराध्या, तुम्हारा गाउन बहुत खूबसूरत है। आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, अंशिका ने इसे डिजाइन किया है। वैशाली ने अंशिका की ओर मुड़कर पूछा, तुम एक डिजाइनर हो? आराध्या ने कहा, ये फेमस लग्जरी ब्रांड की ओनर है। वैशाली ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, ओ गॉड, मैं रुद्राक्ष सिंघानिया को जानती हूँ और अब एक फेमस ब्रांड के ओनर को भी जानती हूँ। आई एम सो कूल। उसकी हरकत देख आराध्या ने हंसते हुए कहा, बच्चों जैसी हरकत करना बंद करो, हमें रेडी भी होना है। कुछ मिनट के बाद मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट वहां पर आ गए। फिर आराध्या और वैशाली ने अपनी ड्रेस पहन ली। वैशाली ने अंशिका की ओर देखते हुए कहा, अंशिका, तुम भी चेंज कर लो। तो अंशिका अपनी ड्रेस उठाकर वॉशरूम के अंदर चली गई। जब वो अपना गाउन पहनकर बाहर आई तो आराध्या और वैशाली उसे एक टक देखने लगी। वैशाली ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या इसे भी तुमने डिजाइन किया है? अंशिका अपने हाथों से ड्रेस को हल्के से छूते हुए मुस्कुराकर बोली, एक खास इंसान ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। आराध्या ने कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। शाम 7 बजे बैंक्वेट हॉल। होटल में तरह तरह की लग्जूरियस कार आने लगी। पार्टी के लिए इंडिया के लगभग हर पावरफुल फैमिली को इनवाइट किया गया था। साथ ही सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सारे एम्प्लॉयज को भी इनवाइट किया गया था। सारे रिपोर्टर्स होटल के मेन गेट के पास खड़े थे। 7:30 बजे तक बैंक्वेट हॉल लोगों से खचाखच भर गया। जब जाह्नवी और मोहित वहां पर आए तो लोग आपस में बात करने लगे। दूसरी ओर रिपोर्टर्स ने उनकी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी और उनसे सवाल पूछने लगे। रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर शर्मा, आपके और जाह्नवी कपूर के बीच क्या रिश्ता है? मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरी वाइफ है। तभी दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, तो क्या आपके और आराध्या कपूर के डेटिंग की न्यूज फेक थी? मोहित ने कहा, हाँ बिल्कुल, हमने कभी भी एक दूसरे को डेट नहीं किया। तीसरे रिपोर्टर ने पूछा, मिस जाह्नवी, क्या आपकी और मिस्टर शर्मा की शादी से आपके फादर मिस्टर कपूर खुश हैं? जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, पापा बहुत खुश हैं। फिर वो दोनों वहां से जाकर बाकी लोगों से बातें करने लगे। कुछ देर बाद आशुतोष और साक्षी भी हॉल में आ गए। उन्हें देखते ही रिपोर्टर्स ने फौरन उन्हें घेर लिया और उनसे सवाल करने लगे। एक रिपोर्टर ने आशुतोष जी से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, लोग कह रहे हैं कि आपकी बड़ी बहू एक आम लड़की है, क्या ये सच है? आशुतोष जी ने हंसते हुए कहा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि वो एक आम लड़की है या नहीं, और अगर वो है भी तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, मिसेस सिंघानिया, क्या आपको अपनी बहू पसंद है? साक्षी जी ने कहा, हाँ, वो बहुत प्यारी है और मैं उसे अपनी बहू नहीं, बेटी की तरह मानती हूँ। तभी आशुतोष सिंघानिया ने रिपोर्टर को हाथ दिखाते हुए कहा, ठीक है, आप लोग पार्टी इंजॉय कीजिए, हमें बाकी गेस्ट के पास जाना है। इतना बोलकर वो साक्षी के साथ वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दादाजी और दादी हॉल में आए। दादी ने एक लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत और यंग लग रही थी।
उन्हें देखते ही रिपोर्टर्स उनके पास आ गए। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, मिसेस सिंघानिया, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। रिपोर्टर की बात सुनकर दादाजी ने हंसते हुए कहा, क्या आप मेरे सामने मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? दादाजी की बात सुनकर रिपोर्टर के कान लाल हो गए और वो पीछे की ओर चला गया। तभी दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आपके पोते की शादी ऐसे हुई, इस बारे में आपकी क्या राय है? दादाजी ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए उनकी खुशी ही सबसे आगे है, जब तक वो दोनों खुश हैं सब कुछ ठीक है। तीसरे रिपोर्टर ने पूछा, मिसेस सिंघानिया, मिसेस रुद्राक्ष सिंघानिया के बारे में आपकी क्या राय है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिंघानिया फैमिली के सभी मेंबर उससे बहुत प्यार करते हैं, वो रुद्र के लिए एक परफेक्ट मैच है। तभी दादाजी ने हाथ दिखाते हुए कहा, अब हमें अंदर जाने दो, वरना तुम सब फिर से मेरी वाइफ के साथ फ्लर्टिंग शुरू कर दोगे। इधर जानवी ने अपने पर्स से अपना फोन निकालकर हॉल की कुछ फोटोज लेकर आराध्या को भेज दी और कैप्शन में लिखा, दुल्हन के आने के बाद मैं आपको कुछ और तस्वीरें भेजूंगी। फिर उसने अपना फोन वापस अपने पर्स में रख लिया। इधर होटल के कमरे के अंदर अंशिका ने आराध्या को देखते हुए कहा, भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वैशाली ने भी मुस्कुराकर कहा, मिस्टर सिंघानिया आज तुम्हें देखकर बेहोश होने वाले हैं। आराध्या ने हंसते हुए कहा, सिद्धार्थ भी आज तुम्हें देखकर बेहोश होने वाला है। वैशाली ने आराध्या को अपना हाथ दिखाते हुए कहा, बकवास बातें करना बंद करो। आराध्या मुस्कुराते हुए अंशिका से बोली, समर्थ बहुत खुश होगा जब वो तुम्हें इस ड्रेस में देखेगा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर अंशिका आराध्या की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराने लगी। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा नॉक किया। नॉक नॉक, आराध्या ने कहा, अंदर आओ। ये सुनकर समर्थ और सिद्धार्थ रूम के अंदर आ गए। अंदर आकर सिद्धार्थ ने समर्थ को रोकते हुए कहा, समर्थ हमें लगता है कि हम गलत रूम में आ गए हैं। समर्थ ने कुछ नहीं कहा, वो बस एकटक अंशिका को देखता रहा। उसने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो समर्थ ने उसे कल गिफ्ट दी थी। सिद्धार्थ ने समर्थ के हाथ पर मारते हुए कहा, यार मैंने तुमसे कुछ पूछा? अपने होश में आते हुए समर्थ ने कहा, हाँ क्या कहा? सिद्धार्थ ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ कि क्या हम दोनों गलत रूम में आ गए हैं? समर्थ ने अपना सर खुजलाते हुए कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है। तीनों लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, इन्हें देखो, क्या तुम्हें लगता है ये वही हैं जिनको हमने कुछ देर पहले यहाँ पर छोड़ा था? वैशाली ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, बकवास बंद करो। सिद्धार्थ मुस्कुराया और वैशाली के पास आते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर सिद्धार्थ ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या हम? वैशाली मुस्कुराई और उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए आराध्या से बोली, मैं तुम सबसे नीचे मिलती हूँ। उनके जाने के बाद समर्थ ने अंशिका से पूछा, क्या तुम और अक्षत आज रात पार्टी में मेरे साथ चलोगे? अंशिका कुछ देर के लिए झिझक गई। उसके चेहरे के मिक्स एक्सप्रेशन को देखकर समर्थ ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ये कहकर समर्थ वहां से जाने ही वाला था कि अंशिका ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। क्या अंशिका भी अपने अतीत को भुलाकर समर्थ के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है? क्या होने वाला है इस वेलकम पार्टी में? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। समर्थ वहां से जाने ही वाला था कि अंशिका ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। समर्थ ने यह सुना तो मुस्कुराकर उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया और अंशिका ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। फिर आराध्या की तरफ मुड़कर अंशिका बोली, भाभी मैं भी नीचे चलती हूँ। आराध्या मुस्कुराई और अपना सिर हिला दिया। दूसरी ओर समर्थ किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जिसे उसका पसंदीदा लॉलीपॉप मिल गया था। उनके जाने के बाद आराध्या ने रुद्राक्ष को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन जब उसने अपना फोन देखा तो वहां पर जानवी ने उससे पार्टी की तस्वीरें भेजी थी।
आराध्या ने धीरे से कहा। सिली गर्ल। फिर वो रुद्राक्ष को कॉल करने ही वाली थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। आराध्या ने दरवाजे को देखते हुए कहा, अंदर आइए। दरवाजा खुला और रुद्राक्ष अंदर आया। उसके हाथों में एक छोटा सा बैग था। अंदर आकर जैसे ही उसकी नजर आराध्या पर पड़ी, वो वहीं पर जम गया। आराध्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। पीच कलर का गाउन, कानों में डायमंड इयररिंग्स और चेहरे पर हल्का मेकअप उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। रुद्राक्ष मुस्कुराया और आराध्या के पास आते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हें नीचे नहीं ले जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें इस तरह देखे। आराध्या मुस्कुराई और उसके हाथ से बैग लेकर उसमें से टाई निकाली जो उसने कुछ दिन पहले उसके लिए खरीदी थी। फिर वो अपने पंजों पर खड़ी हुई और रुद्राक्ष को टाई पहना दी। रुद्राक्ष मुस्कुराया, फिर वो दोनों भी नीचे की ओर चल पड़े। इधर बैंक्वेट हॉल में सिद्धार्थ और वैशाली की एंट्री ने सभी को चौंका दिया। वो दोनों एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए थे। रिपोर्टर्स तुरंत उन्हें घेर कर उनसे सवाल करने लगे। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप और मिस वैशाली डेटिंग कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। जैसे ही वो कुछ कहेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, मिस वैशाली, आपने अभी तक मिस्टर मल्होत्रा को जवाब क्यों नहीं दिया? वैशाली ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आप मिस्टर मल्होत्रा को बता सकते हैं कि मेरी तरफ से हाँ है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, हाँ हम डेटिंग कर रहे हैं। तीसरे रिपोर्टर ने पूछा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मल्होत्रा, हमें लगता है आप जल्दी ही बैचलर लिस्ट से बाहर होने वाले हैं। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इस बारे में सोच सकते हैं। ये कहने के बाद सिद्धार्थ ने अपना हाथ वैशाली की कमर पर रखा और उसे लेकर सबके बीच आ गया। उन्हें देखकर वैशाली के पापा ने कहा, तो वो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड है। वैशाली ने जल्दी से सिद्धार्थ के हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, डैड आई। वैशाली के पापा ने कहा, तुम अब क्यों शर्मा रही हो? थोड़ी देर पहले रिपोर्टर्स के सामने तो बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही थी। ये सुनकर वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया। वैशाली के पापा हंसते हुए बोले, देखो मुझे आज पता चला कि मेरी बेटी शर्माती भी है। सिद्धार्थ ने उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, नाइस टू मीट यू अंकल। वैशाली के पापा ने सिद्धार्थ का कंधा थपथपाकर कहा, कल 2 बजे मेरे ऑफिस में आना, हम दोनों साथ में एक कप कॉफी पीते हैं। ये कहकर वो वहां से चले गए। सिद्धार्थ ने कहा, पता नहीं कल क्या होने वाला है, मुझे तो अभी से टेंशन हो रही है। वैशाली ने मुस्कुराकर कहा, परेशान मत हो, मेरे पापा बहुत कूल माइंडेड हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ ने भी अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी ओर हॉल के बाहर खड़ी अंशिका ने आसपास देखते हुए कहा, अंदर बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें एक साथ अंदर जाना चाहिए। समर्थ ने अक्षत को अपनी गोद में उठाकर कहा, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अंशिका ने सिर हिलाया और समर्थ के पीछे से चलने लगी। जैसे ही वो हॉल के अंदर जाने वाले थे, समर्थ ने अंशिका का हाथ पकड़ लिया और वो हॉल के अंदर आ गए। उन तीनों को एक साथ देखकर सबकी नजरें उसकी तरफ चली गई। उनको एक साथ देखकर वहां पर खड़े लोग तरह तरह की बातें करने लगे। फेमस डिजाइनर अंशिका और सिंघानिया फैमिली का छोटा बेटा एक साथ थे और उनके साथ एक बच्चा भी था। ये देखकर सभी हैरान थे। रिपोर्टर्स भी उनकी तरफ आने लगे, लेकिन वो उनके पास पहुंचते उससे पहले ही समर्थ के बॉडीगार्ड्स उन तीनों को लेकर अंदर चले गए। अंदर आकर समर्थ ने अंशिका से कहा, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि इन सबके बारे में मत सोचो। अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। समर्थ अक्षत को नीचे उतार कर बोला, जैम तुम दादाजी और दादी के पास जाओ, लेकिन इधर उधर उछल कूद मत करना। अक्षत ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। कुछ टाइम बाद रुद्राक्ष एक ब्लैक एंड व्हाइट सूट पहनकर हॉल के अंदर आया। उसके गले में वही टाई थी जो आराध्या ने उसके लिए खरीदी थी
और उसके चेहरे के परफेक्ट फीचर्स उसे और भी हैंडसम बना रहे थे। हॉल में मौजूद सभी लड़कियां उसे देखकर लगभग अपने होश खो बैठी। रिपोर्टर्स रुद्राक्ष के कोल्ड एक्सप्रेशन से बहुत डरते थे, इसीलिए उन्होंने उससे कोई भी सवाल नहीं किया। रुद्राक्ष वहां से सीधा स्टेज के ऊपर चला गया और अपने हाथ में माइक्रोफोन लेकर बोला, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑल हियर एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी को पता है कि ये पार्टी मेरी वाइफ की वेलकम पार्टी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मेरी वाइफ से। जैसे ही रुद्राक्ष ने अपना स्पीच खत्म किया, हॉल का दरवाजा खुल गया और एक खूबसूरत लड़की अंदर आ गई। सिर्फ लड़के ही नहीं, हॉल में मौजूद लड़कियों की नजर भी उस पर ठहर गई। रुद्राक्ष जल्दी से आगे बढ़ा और आराध्या को स्टेज पर ले आया। स्टेज पर पहुंचकर रुद्राक्ष ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे आपको इनका पूरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो कौन है। फिर भी, शी इज आराध्या कपूर एंड नाउ शी इज माई वाइफ आराध्या सिंघानिया। अचानक पूरे हॉल में कुछ टूटने की आवाज आई। जानवी के हाथ में जो वाइन ग्लास था वो अब कई टुकड़ों में बिखर गया था। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसके सामने कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन वो अपनी जगह पर जम गई थी और उसकी आंखें लाल हो गई थी। ये बता पाना मुश्किल था कि वो रोना चाहती है या गुस्से में है। दूसरी तरफ मोहित के चेहरे पर ये सब देखकर एक उदास एक्सप्रेशन था, और जानवी तो अभी भी भरोसा नहीं कर पा रही थी कि उसने अभी अभी क्या सुना। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्राक्ष की वाइफ आराध्या होगी। उसने कल कैफे में आराध्या से बहुत सी बातें कही थी, उसने उसे रखेल भी कहा था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने पार्टी की फोटो खींचकर आराध्या को भेजी थी, और ये भी कहा था कि जब रुद्राक्ष की वाइफ आएगी तो वो उसे उसकी फोटो भी भेजेगी। ये सब सोचकर उसे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था, उसे खुद पर ही शर्म आ रही थी। दूसरी ओर स्टेज पर खड़ी आराध्या के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने रुद्राक्ष की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप एक गेम खेलना चाहते हैं? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी वाइफ जो भी कहे मुझे मंजूर है। आराध्या मुस्कुराई और जानवी के पास जाकर एक्टिंग करते हुए बोली, जानवी मेरी प्यारी बहन, क्या तुम ठीक हो? जानवी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठियां बना रखी थी। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहीं खड़ी उसे देखती रही। आराध्या ने अपने कंधे हिलाकर कहा, जानवी क्या तुम्हें हर्ट हुआ? फिर मोहित की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, और जीजा जी? मोहित ने अपनी भवों को सिकोड़ लिया जब उसने आराध्या के मुंह से अपने लिए जीजा जी सुना। जो लड़की कुछ दिन पहले उसे पागलों की तरह प्यार करती थी, अब वो इंडिया की सबसे पावरफुल बिजनेसमैन की वाइफ थी। जानवी आराध्या को घूर कर देख रही थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ बहुत हैरान था। उसने खुद से कहा, आराध्या को क्या हो गया है? वो अपनी बहन के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है? वैशाली ने उसे धीरे से कहा, वो एक्टिंग कर रही है, मुझे कुर्सी दो बैठने के लिए, ये ड्रामा बहुत लंबा चलने वाला है। सिद्धार्थ ने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप वैशाली के लिए एक कुर्सी ले आया। जब जानवी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आराध्या ने जानवी के आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए खुश हो जानवी, लेकिन तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम अपना मेकअप खराब कर रही हो। फिर आराध्या ने जानवी को गले लगाया और धीरे से उसके कान में बोली, सरप्राइज। रुद्राक्ष आराध्या के पास आते हुए बोला, मिस्टर शर्मा तुम अपनी वाइफ के लिए परेशान मत हो। आराध्या रुद्राक्ष की तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर मोहित और जानवी को हैरान छोड़कर वो दोनों स्टेज पर चले गए। जैसे ही आराध्या स्टेज पर आई, सारी लाइट्स डिम हो गई। आराध्या ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। वो रुद्राक्ष को बुलाने ही वाली थी कि अचानक एक स्पॉटलाइट उस पर गिर पड़ी। फिर उसने देखा कि रुद्राक्ष हाथों में एक रिंग लिए उसके सामने खड़ा है। रुद्राक्ष आराध्या के सामने आया और अपने घुटनों पर बैठते हुए बोला, आई लव यू आराध्या, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो एहसास है
उसके सामने ये रिंग कुछ भी नहीं है। आई मिस यू, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मेरे दिल में सिर्फ एक लड़की थी और वो हो तुम, और हमेशा तुम ही रहोगी। मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। ये कहकर उसने उसकी रिंग फिंगर में रिंग पहना दी और उसके हाथ को अपने होठों से छू लिया। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। आराध्या के कहते ही अंशिका ने उसको रिंग का बॉक्स पास किया। रिंग को बॉक्स से बाहर निकालते हुए आराध्या ने कहा, मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आए, और मैं भी आपसे वादा करती हूँ, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, और मेरे दिल में सिर्फ आप ही रहोगे। ये कहने के बाद आराध्या ने रुद्राक्ष को रिंग पहना दी। रुद्राक्ष ने आराध्या से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो वाकई बहुत हैरान था। हालांकि आराध्या ने उसे ये नहीं कहा था कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन रुद्राक्ष उसकी बातों का मतलब समझ गया था। वो जानता था कि आराध्या इतनी जल्दी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी वो अपने रिलेशनशिप की प्रोग्रेस से खुश था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सामने का नजारा देखने वाला हर कोई कह सकता था कि वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। दूसरी ओर जानवी गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसने आराध्या से बदला लेने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन आखिर में क्या हुआ, आराध्या उससे भी ज्यादा खुश थी। अचानक उसे मोहित से शादी करने पर रिग्रेट होने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। सिद्धार्थ और वैशाली अब एक कपल थे। अंशिका और समर्थ के रिश्ते में भी सुधार हो रहा था, और मोहित और जानवी गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। जब सभी लोग पार्टी इंजॉय कर रहे थे, अचानक हॉल का दरवाजा एक बार फिर खुला और डिजाइनर सूट पहने तीन आदमी हॉल में दाखिल हुए। रिपोर्टर्स ने उन तीनों को घेर लिया। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर कपूर, आपकी बड़ी बेटी की शादी इंडिया की सबसे फेमस बिजनेस टाइकॉन से हुई है, क्या आप इससे खुश हो? नीरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी ने अपना हमसफर एक ऐसे इंसान को चुना है जो उससे बहुत प्यार करता है और उसकी परवाह भी करता है। तभी दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, आपकी छोटी बेटी की शादी मिस्टर मोहित शर्मा से हुई है, क्या आप इससे खुश हैं? नीरज ने अपनी भावे उठाकर कहा, आप किस बेटी की बात कर रहे हैं? नीरज का सवाल सुनकर सारे रिपोर्टर्स असमंजस में पड़ गए। उस रिपोर्टर ने फिर से पूछा, मिस्टर कपूर, आपकी छोटी बेटी जानवी कपूर? नीरज ने जवाब में कहा, शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मेरे बस दो ही बच्चे हैं। फिर रुद्राक्ष के पास खड़ी आराध्या की तरफ इशारा करते हुए बोले, मेरी बेटी आराध्या। फिर अपने पास खड़े कुणाल के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बोले, मेरा बेटा कुणाल। नीरज जी ने सबके सामने जानवी को अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना सबके समझने के लिए काफी था कि मिस्टर नीरज कपूर अपनी छोटी बेटी की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन क्यों? सब ये जानने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर हुआ क्या था। क्या नीरज सबके सामने जानवी की सच्चाई बता देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।